सी एस ट्रू फैक्ट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताएंगे गुड़ के फायदे और नुकसान गुड़ पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है इसे विशेषकर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासी गर्म होती है और यह सर्दियों में ही तैयार किया जाता है इसे बनाने के लिए मुख्यतः गन्ने का प्रयोग किया जाता है जो कि उत्तर भारत में इसे विशेष रूप से पाया जाता है इसको कोलू या में पेड़ करके रस के रूप में निकाला जाता है फिर रस को कढ़ाइयों में गर्म करके साफ करके तरल रूप में गुड़ तैयार किया जाता है फिर उस तरल रूप को ठंडा करके गुड़ को के कई रूप दिए जाते हैं गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम आयरन अधिक पाए जाने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है इसको खाने से कई सारी बीमारियां दूर होती हैं पाचन क्रिया मजबूत होती है इसका प्रयोग मूंगफली के साथ मिला कर के तिल के साथ मिला कर के गजक बनाने के लिए किया जाता है जो कि विशेषकर जाड़ों में खाई जाती है इसके खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं सुडोल होती हैं इसमें पोटेशियम और कैल्शियम अधिक होने के कारण हड्डियों को मजबूती देता है जुखाम और अस्थमा के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है इसको खाने से सौठ या अदरक के साथ मिलाकर खाने से अस्थमा में लाभ होता है इसमें लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के गुण पाए जाते हैं लीवर को साफ करता है खाना खाने के बाद के बाद हमें थोड़ा गुड़ खाना ज़रूर चाहिए क्योंकि गुड़ खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और लीवर साफ़ होता है इसके खाने से आंतें मजबूत होती हैं पाचन क्रिया सही होती है पचने में सहायता करता है और आंतों को मजबूती देता है गुड़ के खाने से बाल लंबे होते हैं काले होते हैं मजबूत होते हैं इसके प्रयोग से आँखों की रोशनी बढ़ती है आँखें का, का तौर बढ़ता है चेहरे की झुरियाँ ख़त्म होती हैं चेहरे से पर चमक आती है वैसे तो गुड़ बहुत ही लाभकारी है लेकिन कभी कभी इसके अधिक खाने से कुछ दुष्परिणाम सामने आते हैं गुड़ को कि तासी गर्म होने के कारण इसको गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके खाने से गर्भवती महिलाओं को समस्या उत्पन्न हो सकती है जिनको गुड़ से एलर्जी होती है उनको गुड़ नहीं खाना चाहिए गुड़ को खाने से के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि गुड़ खाने के बाद पानी पीने से खांसी होती है अधिक मात्रा में गुड़ खाने से वज़न भी बढ़ता है और डायबिटीज़ के रोगियों को इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ इससे बढ़ सकता है वैसे गुड़ बहुत ही लाभदायक है बहुत ही गुड़कारी है पुराने समय से गुड़ को हमारे समाज में खाते आए हैं वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब